गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। मैं सैयद नईम हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए। हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पहले ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो वर्ड बना है इसकी हम मीनिंग समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना है वर्ड इंटेरोगेट से। इंट्रोगेट का मतलब होता है किसी बात के बारे में इंफॉर्मेशन लेना या मालूमात करना, ये इंट्रोगेट का मीनिंग निकलता है। यानी इस अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोनाउन में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पीपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ली जाती है, कोई सूचना ली जाती है। जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो अगर कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको उस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ कि व्हाट इज दिस, इट मींस आई एम स्पीकर एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस, सो आई एम आस्किंग अबाउट, आई एम आस्किंग टू यू दैट व्हाट इज दिस। सो आपको अगर जो आंसर देने वाला है वो इसके बारे में बताएगा कि ये पेन है। तो मैंने जो यूज में लिया है प्रोनाउन वो व्हाट, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि इसमें मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं इस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट ये मीनिंग आपको समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। किसी वो प्रोनाउन जो किसी चीज ऑब्जेक्ट या किसी पीपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज में लिए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बारे में विशेष बात यह है कि ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क कैरी करते हैं। जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क कैरी करेगा वो प्रोनाउन कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और ये सेंटेंस में बिगिनिंग के अंदर आते हैं, इनको हम WH वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जितने भी WH वर्ड हैं जो बिगिनिंग में आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कैरी करते हैं वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब कुछ एग्जांपल, जैसे व्हाट से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, एक हू, हूज, वेयर, विच, व्हेन, व्हाई, ये जो सब एग्जांपल जो मैंने, और एक मैं इसमें ले लेता हूँ हाउ, ये जो एग्जांपल है ये कहलाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। तो व्हाट, हू, हूज, वेयर, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ, और ये जब आएंगे सेंटेंस में तो ये स्टार्टिंग में आएंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कैरी करेंगे। और ये क्या काम कर रहे हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पीपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं तो ये कहलाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आज हम बात करते हैं हू के बारे में, व्हाट के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या काम आता है, तो इसके बारे में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो व्हाट मैंने लिखा है, व्हाट मीन्स हम कह सकते हैं क्या, हिंदी मीनिंग इसका ये निकलता है। तो ये किसके लिए यूज में लिया जा रहा है, इट इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी पीपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है या फिर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है। ऑब्जेक्ट में हम सारी चीज आ सकती है, जैसे ये एक वस्तु आ जाएगी या किसी बात के बारे में या कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है उसके बारे में बात की जाती है, ये सब ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज योर नेम, ये बेसिक के बाद है। अभी ये लास्ट में इसने क्या क्वेश्चन मार्क कैरी किया और बिगिनिंग के अंदर ये WH वर्ड व्हाट आ रहा है। तो ये व्हाट यहाँ पर किसे कौन सा प्रोनाउन माना जाएगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन माना जाएगा क्योंकि दो निशानियां, एक तो ये बिगिनिंग में है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कैरी कर रहे हैं और इस सेंटेंस के जरिए हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, योर नेम के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तो ये हम इंफॉर्मेशन जो भी हमारा नाम है वह हमें बता देते हैं। इसके अलावा व्हाट इज दिस
मैंने ये कहा कि ये क्या है। अब ये मैं कोई मैं पेन की तरफ इशारा कर सकता हूँ या डस्टर की तरफ इशारा कर सकता हूँ, तो ये मैंने जिनके बारे में भी मैंने इशारा किया है वो कहलाएगा। उसके बारे में मैं क्या मालूम कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड वाट काम आया। तो ये सारे जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड दिख रहे हैं ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट या पीपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क कैरी करते हैं। कल दूसरे डब्ल्यू एच वर्ड हु के बारे में बात करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।